लोकसभा चुनाव के बाद वेस्ट बंगाल में बीजेपी के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी को ध्यान में रखते हुए पार्टी के नेताओं को एक अहम आदेश दिया है। इस आदेश में बीजेपी से संबंध रखने वाले टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की पहचान करके उन्हें पार्टी से निकालने के लिए कहा है। दरअसल कुछ महीनों पहले से लोकसभा के परिणाम आने के बाद बीजेपी द्वारा पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रभावित किया गया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार 5 जुलाई को दिए अपने एक आदेश के साथ ही पार्टी को विधानसभा चुनाव 2021 में जीतने का भी भरोसा दिया। तृणमूल प्रमुख ने कोलकाता में बंद कमरे में हुई एक सभा में बांकुरा और झारग्राम जिलों के टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर आम आदमी से संबंधित स्थापित होने की नसीहत दी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सभा में शरीक होकर आए एक पार्टी कार्यकर्ता ने कहा, मुख्यमंत्री ने हमें कहा कि हम 2021 का चुनाव जीतेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पार्टी में बीजेपी से संबंध रखने वालों पर जोर दिया जाए। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के नेताओं को किसी भी पार्टी के समर्थकों के साथ झड़प में शामिल नहीं होने के लिए भी चेताया है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री ने प्रशासन पर निर्भरता कम करके पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 2014 के मुकाबले में 900% सीटों का इजाफा किया है। वहीं दूसरी ओर तृणमूल के 7 विधायक और करीब 60 पार्षदों ने बीजेपी में शामिल हो गए। चुनाव के दौरान कई सांसदों ने भी पाला बदल लिया था। हाल ही में ममता बनर्जी ने सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से अवैध वसूली करने वालों को भी पैसे वापस करने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद से राज्य में हलचल मची हुई है, जिसके कारण राज्य के गांवों में लोगों द्वारा दर्जनों पार्टी नेताओं से पैसे वापस लेने के लिए जमकर हंगामा किया जा रहा है। ममता बनर्जी द्वारा बीजेपी से संबंध रखने वाले नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा देने की बात करना बेहद सही निर्णय लगता है। उनके इस प्रकार के फैसले से प्रतीत होता है कि वह पश्चिम बंगाल में अपने आने वाले चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई हैं। ममता बनर्जी के इस कदम से बीजेपी को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि 2021 में होने वाले चुनाव के लिए बीजेपी भी यह पूरी कोशिश कर सकती है कि वह टीएमसी से अधिक नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए प्रभावित कर पाए। तो इस प्रकार अगर ममता बनर्जी अभी से ही अपनी पार्टी के बागी नेताओं को तृणमूल कांग्रेस से अलग कर देगी तो आने वाले चुनाव के लिए बेहतर रहेगा। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।